नमस्कार दोस्तों दोस्तों अब तक आपकी सेहत के साथ में भद्दा मजाक किया जा रहा था, क्योंकि देश भर में इस्तेमाल की जाने वाली करीब 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हो गई हैं। मतलब ये कि इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिससे बीमारी ठीक होने के बजाय आप उल्टा और ज्यादा बीमार हो सकते थे, आपको नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इन 53 दवाइयों में वो दवा भी शामिल है जो लगभग हर घर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी, हर घर में मेडिसिन बॉक्स में ये रखी ही होती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं पैरासिटामोल की। जी हाँ, वही पैरासिटामोल जो आप बुखार आने पर, सरदर्द होने पर तुरंत पानी के साथ गटक जाते थे, वो भी टेस्ट में फेल हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन बड़ी बड़ी कंपनियों का धंधा किसके इशारे पर चल रहा था। दोस्तों देश के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने एक मंथली ड्रग अलर्ट जारी किया है। इसमें पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में कैल्सिरॉल और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट ने आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता तो बढ़ाई ही है, क्योंकि हर घर में शुगर के मरीज हैं, हर परिवार के बुजुर्ग BP की दवाएं लेते हैं, खांसी जुकाम होने पर आप खुद ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों CDSCO ने इन 53 दवाइयों को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट के तौर पर घोषित कर दिया है। NSQ अलर्ट्स स्टेट ड्रग ऑफिशियल्स की ओर से लिए गए रैंडम मासिक सैम्पलिंग से जेनरेट किया गया है। दोस्तों जो दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हो पाई हैं, उनमें विटामिन सी और D3 री टैबलेट शेलकिल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सॉफ्ट जेल्स, एंटी एसिड पैंडी पैरासिटामोल टैबलेट, IP 500 mg, डायबिटीज की दवाई ग्लिम्पराइड जैसी, ये तमाम दवाइयां जो हैं शामिल हैं। इन दवाओं में हेटरोड्रग LK लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेगा लाइफ साइंस और प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं। पेट में इंजेक्शन की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़े स्तर पर ये जो दवा है मेट्रानिजाडोल, ये भी क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हो गई है। दोस्तों इन दवाओं को PSU कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती थी, लेकिन ये कंपनियां इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ जनता इस बात से काफी घबराई हुई है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके की दवाएं आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आपको याद होगा, पहले ही इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने पैरासिटामोल पर भी सवाल उठाए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से पहले अगर आप 500 mg की पैरासिटामोल खाते थे तो भी आपको फायदा हो जाता था, लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में जब आप 650 mg की पैरासिटामोल खाते हैं तो भी उसका फायदा दिखाई नहीं देता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी धांधली के आरोप लगाए थे, करप्शन के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने तब क्या कहा था, जरा सुनिए। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, जी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा, बताओ BJP ने घोटाला किया नहीं किया? 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। और दोस्तों आज अखिलेश यादव की ये जो बात थी ये सही साबित हो गई है। अब अखिलेश ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। अखिलेश लिखते हैं कि जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या फिर बीमार? अब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रही चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या फिर चंदे की रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? जनता की जान से खिलवाड़ करना ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं है, निंदनीय है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस ने भी इस मामले पर एक ट्वीट किया है। कांग्रेस लिखता है कि आपका बुखार है और आपने दवा ली, लेकिन उस दवा का कोई असर नहीं हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब खबर है कि 50 से ज्यादा दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, जैसे बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं। ये खबर बताती है कि फार्मा कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इससे करोड़ों बना रही हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है। हमने वो खबर भी देखी है जिन फार्मा कंपनीज की दवाइयां टेस्ट में फेल हुई हैं, वो कंपनियां चंदा दो धंधा लो की टैक्टिक्स से क्लीन चिट पा
गई। यही वजह है कि इन कंपनियों को अब कोई डर नहीं है, क्योंकि इनके मालिक जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, कांग्रेस भी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, कह रही है कि मोदी सरकार इन कंपनियों से चंदा लेकर इनके धंधे को आगे बढ़ा रहा था। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आगे से जरा ध्यान रखिए, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनियों को और सरकार को आपकी जान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त। ये दुआ हमारी। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही है। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल संपूर्ण सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।